लांछन लगा जाता है हर बहू पे कि वो ससुराल को अपना घर नहीं समझती, कैसे समझेगी अपना घर। आजकल जिन लड़कियों को देखे वो यही वीडियो बना रहे हैं जिसमें सास ससुर ननद ससुराल को ही पूरा खराब माना गया है। यकीन मानिए 80% आज के जमाने की लड़कियां गलत है और जो 20% बची है उनकी वजह से भुगत रहे हैं। आजकल के रील्स में ये नहीं दिखाया जा रहा है कि बहुएं ससुराल वालों पे कितना जुल्म कर रही है, सासों पे कितना। आप लोगों ने एक बात पे गौर किया है कभी? यूं कहें कि सिर्फ नाम के शिक्षित लोग ये बोलते हैं कि प्रखर मुंह की स्त्रियां जवाब देने लगी हैं इसलिए ससुराल वाले उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन बात ये नहीं है। प्रखर मुंह की लड़कियां सिर्फ अन्याय के विरुद्ध बोलेगी, ना कि हर बात पे जवाब देगी। हमारा इंडिया है, यहाँ शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती है, दो परिवारों के बीच होती है। और आज की लड़कियों को ये समझना होगा कि विदेशी परंपरा को यहाँ ना अपनाए। आज की बहुओं की असलियत दिखाने के लिए मैंने कुछ लाइन्स लिखे हैं, चलो देखते हैं। या बाबू ले तो जा रहे हो ससुराल, लेकिन ससुराल जाते ही सास ननद इनको जरा भी न भाए, लेकिन जब माँ बननी हो तो सासु माँ करके पीछे आए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। सेवा के डर से भेजे वृद्धा आश्रम और मायके में अपनी भाभी को बोले कुछ तो करो सर, बेशरम। न काम नहीं करूंगी, मैंने मायके में कभी नहीं किया। बेटा तुमने तो मायके में वो भी नहीं किया। इन्हें चाहिए बस पैसे, शॉपिंग करना और घूमना फिरना, इसके अलावा बस दिन भर है सोना। बाहरी लोगों के सामने करे संस्कारी का दिखावा और इनसे बड़ा भैया कोई नहीं है छलावा। देखो देखो की चेहरे से टपकती है नंबर एक का कबीला। आज की लड़कियों को चाहिए सिर्फ पति पति, बाकी घर वालों की करे दुर्गति। हाय बड़े हरामी हो बेटा। मेरे बाबू मेरे सोना, घर का काम करवाओगे तो स्टार्ट कर दूंगी रोना। हाय मुझ पर जुल्म हो रहा है।